अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर, वेलकम टू बॉन्डी फूड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज हम एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि हम झटपट बनाएंगे। अच्छा, ये आप लोग देख रहे होंगे मेरे सामने है, ये बॉल है, इसमें है योगर्ट। ये प्लेन हमारा योगर्ट है, इसके अंदर देखें आप लोग देख रहे होंगे थिक थिक है। इसके अंदर मैंने वाटर ऐड नहीं करा है। अच्छा, आज की जो ये रेसिपी है ये जो है वो बिल्कुल ही इजी है और इजीली इसको आप चाहें तो पैन में यानी कि पतीली में भी बना सकते हैं और आप लोग ओवन में भी बना सकते हैं, यानी कि इसको बेक भी कर सकते हैं और इसको पतीले में भी बना सकते हैं एज अ सालन के तौर पे। इसको आपको ड्राई बनाना है ड्राई भी बना सकते हैं, और अगर बेक वाली बनाना है तो वो भी, जो लोग हेल्दी ज़रा से हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्दी खाना खाना चाहते हैं। अच्छा, ये देखिए हमने हमारा योगर्ट है थिक थिक गाढ़ा गाढ़ा सा, प्लेन योगर्ट जो सब के घरों में आता है वही है। आज हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी, ये उसकी रेसिपी है। ये हमने लिया दही। अब पहले हम अपने मसाले में बता देती हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी है टर्मेरिक, हाफ टी स्पून गर्म मसाला है, हाफ टी स्पून गार्लिक सॉरी जिंजर पाउडर है और हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर है, हाफ टी स्पून क्रश पेपर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, आप लोग देख लीजिएगा कितना, और हाफ टी स्पून लाल मिर्चें हैं यानी कि जो लाल पिसी मिर्चें होती हैं। और मैं इसमें यूज़ करूँगी ये तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, ये भी क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मसाले मैंने कम लिए इसी वजह से लिए, क्योंकि मैं तंदूरी मसाला भी इसमें ऐड करूँगी जायके के लिए 1 टीस्पून। आप लोगों के ऊपर है, सब टू यू है, कौन सा आप लोग शान का जिसका भी जिस ब्रांड का भी चाहें, नेशनल का शान का वट एवर यू लाइक इट, आप उसमें डाल सकते हैं। तो चलें, हमने ये अपना दही को थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, इसको ज़्यादा इतना ही देखें इसकी कितना ये गाढ़ा गाढ़ा है, ये आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल भी उसका नहीं है। ये हम डाल देते हैं इसमें सारे अपने मसाले स्पाइस जो थे, और अब हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, चिकन जो है वो हमने वॉश करके रख दी है ताकि जितना भी चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसको आप लोग चाहें तो मैरिनेट करके रख भी सकते हैं फ्रिज में, और चाहें तो राइट अवे कुक भी कर सकते हैं। मैं राइट अवे करूँगी, लेकिन अगर इसको आप लोग 4 आवर्स 2 आवर्स को मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। ठीक है जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट। ये भी मेरा पानी नहीं है इसके अंदर इतना, चाहें तो ले भी सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, और कोई इशू भी नहीं है। 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून चला गया, इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ओके, अब हमारा ये तंदूरी मसाले है, हम इसको भी 1 टीस्पून इसमें ऐड करते हैं। तो ये हमने लिया 1 टीस्पून। ये देखिए अब इसमें आएगा थोड़ा सा लेते हैं अच्छा सा कलर जो हम लोग चाह रहे थे, जो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक ये देखें। आप लोग चाहें तो जो मैंने स्पाइस दिए हैं यही स्पाइस के साथ इसमें सिर्फ कलर ऐड कर दें तो एग्जैक्टली सेम वही कलर आएगा जो हमारा तंदूरी चिकन में आता है मज़ेदार से। ये देखें आप इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है, अभी हमारी इसमें चिकन गई भी नहीं है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जब कमेंट आते हैं तो दिल करता है कि और मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कनाडा का वेदर तो अभी इस वक्त बहुत ही ठंडा चल रहा है, आप लोगों का वेदर कैसा है बताइएगा। यहाँ पर तो बड़ा कोल्ड आ चुका है, कोल्ड हो रहा है। अच्छा, मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल जो हमारा खाना पकाने का ऑयल होता है वो ऐड कर दिया है, 1-2 टीस्पून बस डालिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, अब हमारी जो चिकन है इसको हम
एक मिनट मैं ले आऊं जरा। ये देखें जी हमारी आ गई चिकन वॉश हुई भी। अच्छा इसकी जो मैंने बोटियां थाईयन लेग की लिया, आप इस पूरा भी पीस ले सकते हैं। ये देखिए मैंने जरा सा बड़ा बड़ा पीस है हमारा, तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जैसे चाहें ले सकते हैं। ये मेरी तकरीबन 2-3 पाउंड के आसपास होगी, 1 किलो के करीब तकरीबन। तो ये देखिए अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसमें मसाला लगा देंगे। मैं मसाला लगा कर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि मसाला जो है वो पूरा अच्छी तरीके से इसमें लग जाए, और फिर हम इसको पतीली पे बनाएंगे। अच्छा ये देखें मेरी जो चिकन थी मैरिनेट के बाद, मैंने ये अभी एक पैन में डालकर स्टोव पे रख दी है। इसको हम 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर, अभी तो ये देखें मैंने डाला है तो थोड़ा अभी ये वैसे ही है, मैं इसको थोड़ा सा चला के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इसको हमने देखें डाला है, इस पर पानी वानी कुछ नहीं डालेंगे, वो इसलिए कि इसमें दही ऑलरेडी अपना योगर्ट जो है वो पानी छोड़ेगा। अच्छा मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करा है, और इसको हम ऐसे ही लिड लगा के रख देंगे 20 मिनट्स के लिए। जैसे ही 20 मिनट्स हमारे कंप्लीट होंगे इसको मीडियम फ्लेम पर ऐसे रख देंगे। तो ये देखिए कि मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी, तो मिलते हैं 20 मिनट्स। अच्छा जी ये देखें इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाली है, कसूरी मेथी जो हर जगह आराम से अवेलेबल होती है। और ये देखें ये दही के ही योगर्ट के ही अपने पानी में हुआ है, तो मैंने इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा कसूरी मेथी भर के 1 टेबल स्पून डाली है, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अच्छा अब आपके ऊपर है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये लिक्विडी रखना है या ड्राई राइस के साथ साथ तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा सा लिक्विडी रहे। तो मैं इसको काइंड ऑफ सालन के ही तौर पर रखूँगी थोड़ा सा लिक्विडी। तो अब मैं स्टोव को जो है वो बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर की लिड लगा देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए, तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अच्छा ये देखिए हमने सारा सालन को अपने डिश आउट कर लिया, कैसा ज़बरदस्त सा इतना ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आया, और देखें कितना क्विकली रेडी हो गया। और ये हमारे गर्मा गर्म से मैंने राइस भी बॉयल कर ली हैं, तो ये बहुत ये चाहें आप लोग तो नान के साथ या चाहें राइस के साथ, मुझे राइस के साथ पसंद है तो मैंने राइस भी जल्दी जल्दी साथ में बना लिए। तो चलें मैं चलती हूँ, आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। Okay, love is...